चैन छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। ये आज इस पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों का प्यार, मेरी माताओं का प्यार, युवाओं का एहसास है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। आज दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना मारे छांव में गिरे, बगाना मारे धूप में, मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है, जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। बीजेपी कहते हम पर्ची के विरोध करते हैं, अरे थारे मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं। और साथियों कांग्रेस उल्टी है, कांग्रेस पर्ची नहीं भेजती, कांग्रेस जो ज्यादा खर्ची करता है उसको मुख्यमंत्री बनाती है। जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा मनवाने का काम किया था, उचाना में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करना। इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को उखाड़ फेंकोगे, उखाड़ फेंकोगे इस बार इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को। ये रैली ने साबित कर दिया कि दुष्यंत चौटाला का किसी से मुकाबला नहीं है। तारीख को आपको पता चलेगा जब पेटियां खुलेंगी, दुष्यंत चौटाला एक तरफा जीतेंगे। साहब आज ये रैली है, क्या लगता है कि इस रैली से माहौल उचाणा के अंदर कितना बदलेगा? आप देख लो कितना बदल चुका है, सारा उचाणा हुआ है यहाँ पे। दुष्यंत चौटाला जी पीछे से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा। अब की बार हमारे साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम का बड़ा सहयोग मिल गया, उसका भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो गाँव के अंदर एक तरफा माहौल पांच चार दिन से वो बिल्कुल एक तरफा हो चुका है। आज आप रैली देखिए कितनी बड़ी रैली है, लोग अपने साधनों से आए हुए हैं, हर गांव में इनकी लहर हो चुकी है। उचाणा जो है हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में से एक फिलहाल बना हुआ है, या निर्दलीय भी दो जो मैदान में है या बीजेपी के भी अच्छी कैंडिडेट मैदान में, क्या लगता है टक्कर मुश्किल नहीं होगी क्या फिर इनकी? बिल्कुल नहीं जी, विजेंद्र सिंह को बिल्कुल भी लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसका कारण है पिछली बार ये बीजेपी में था, बीजेपी में इस तीन कानूनों के ऊपर इसके साइन है, बदनाम दुष्यंत को किया गया, साइन ये करने वाला है। रही बात आसी के अंदर इसने रैली निकाली किसानों के विरोध में, इसके समर्थन में, तो लोग समझ चुके हैं इसको, इसके पास कुछ नहीं रहा। 8 तारीख को आपको पता चलेगा जब पेटियां खुलेंगी, दुष्यंत चौटाला एक तरफा जीतेंगे। हाँ जी, क्या लग रहा फिलहाल माहौल उचाणा के अंदर? दुष्यंत चौटाला का क्या, लोग नाराज नहीं है क्या एंटी इनकम्बेंसी, जो पिछले 5 साल इन्होंने सरकार में गठबंधन में राज चलाया है, क्या उसके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? ना कोई नाराज नहीं है, उन दोनों को थोड़ी बहुत दिखाया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी थी जो, वो इसकी नहीं विजेंद्र सिंह की है, इसकी किस बात की होगी, इसका कसूर क्या था? इसने उचाणा के रोडों को पेरिस जैसे रोड बना दिए, पूरा विकास किया है, लोगों ने समझ में आ रही है बात, हर गांव में विकास के कार्य किए हैं। विजेंद्र सिंह ने क्या किया है? वीरेंद्र सिंह ने 10 साल में क्या किया? पीछे सेंटर का मंत्री था, इस्पात मंत्री था, कुछ नहीं किया हमारे यहाँ पे। वो तो ये कहा करता ठीक है एक बार लोग हरा देंगे, एक बार जिता देंगे, अब पता चलेगा नहीं कहाँ से जिताएंगे। हाँ जी, इसी हलके से साहब क्या कुछ माहौल देख रहे हो फिलहाल हलके के अंदर, टक्कर किसकी किसके साथ मान रहे हो और माहौल क्या है? दुष्यंत चौटाला की आज किसी के साथ में कोई टक्कर नहीं है, दुष्यंत चौटाला तो अकेले ही आज इतना बड़ा माहौल आपने देखा होगा, जितने लोग यहाँ हैं इससे तो 2-3 गुने लोग सड़कों को प्राण लग रहे हैं, रास्ते के अंदर जाम लग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने अपने कार्यकाल के अंदर इतने बढ़िया रोड बनाए, 33% महिलाओं को डिपू के अंदर आरक्षण दिया, 8% बैकबोर्ड को मतलब कि समाज को आरक्षण श्रेणी में लेके आया। दुष्यंत चौटाला जी ने जो हमारे यहाँ अनाज की मंडियाँ थी, केवल लोग दूसरी जगह से भी अनाज लेकर के उचाणा मंडी में ये कह करके आते थे कि भाई यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर एक प्रकार का लोगों को मुआवजा दिया, गाँवों के अंदर विकास कार्य करवाए। आज दुष्यंत चौटाला जी का गाँव के अंदर और जिस सभी लीडरों का काम, सारी 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 उम्र का काम, और दुष्यंत चौटाला का 4.5 साल का काम, उसका मुकाबला नहीं है, दुष्यंत चौटाला उससे ज्यादा है। इस मुद्दे अब की बार उचाणा के अंदर क्या रहेंगे, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव फिलहाल यहाँ पर लड़ा जा रहा है? मुद्दे तो आज दुष्यंत चौटाला जी ने विकास करवाया है, लोगों को हर एक सुविधा दिलवाई है। अरे क्या कुछ यहाँ पे फिलहाल उचाणा के अंदर क्या माहौल देख रहे हैं? बहन जी आपने दिख रहा है, ये रैली ने साबित कर दिया कि दुष्यंत चौटाला का किसी से मुकाबला नहीं है, और आपको एक जीता जाता
सबूत देता आप मंडी में नाज मंडी में खड़े आज तक पीआर जीरी की खरीदनी शुरू हुई है। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल राज में रहे, कोई किसान को कोई दिक्कत नहीं आई, आज तक पीआर जीरी की खरीदनी है, किसान की कोई सूद लेने वाला नहीं है, एक एक 10-10 दिन से किसान मंडी के अंदर पड़ा हुआ है, किसी ने कोई संभाल नहीं थी। जब तक दुष्यंत चौटाला रहे उन्होंने बहुत अनेकों काम किए हैं, 173 सड़क नई बनवाई है उचाणा के अंदर, उचाणा की सड़कें पैरिस ऐसी सड़कें हो गई है, आपने बता दूं कहीं तालाबों से लेकर कहीं गलियों से लेकर इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। आज देखो जींद के अंदर 19 मंजिल की PGI बढ़ने लग रही है, एक छोटा सा हॉस्पिटल 100 बेड का भी हॉस्पिटल नहीं हुआ करता, उसके अंदर भी पूरी मशीनें उपलब्ध नहीं थी। दुष्यंत चौटाला ने पानी की व्यवस्था जींद के लिए भाखड़ा में से अलग से लाइन बनवा के बड़ौदी के अंदर एक बहुत बड़ा वो प्लांट करवाया। आज इसे जो काम यानी कि उचाणा ने करवाए हैं, क्या लगता है कि उचाणा की जनता उन्हें याद रखेगी अब की बार चुनाव के अंदर? देखो पहले थोड़ी नाराजगी थी, अब लोगों में नाराजगी बिल्कुल नहीं, अब गले लगा लिया है, गलती सलतियां हो जाती है। कहना चाह रहे हैं कि चुनाव, आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के अंतिम समय में माहौल बदला है, आप माफी मिल चुके हैं दुष्यंत? बिल्कुल बिल्कुल माफी, ये पब्लिक बता रही है, आपके सामने है, देख लो आप, इसको अंतरराष्ट्रीय सत्र की रैली के बराबर की रैली बना दिया है, ये तो आपने दिख रहा है जी, जी, जी। इसमें कोई फर्क नहीं है, साथ ही माफ कराया तो तभी तो जनता आई है जी। साथ ही नीले झंडे लेकर के चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं या भारतीय समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक जुड़े हैं दुष्यंत चौटाला के साथ, उसका कितना फायदा दुष्यंत को मिलेगा? बहन जी ये देख लीजिए, हमारा परिवार एक परिवार है, इसमें कोई फर्क नहीं, हमारे गठबंधन में कोई फर्क नहीं है। चंद्रशेखर जी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं, हर गांव का वर्कर चल रहा है, आज उन्हीं की देन है जो आज ये इतना बड़ा माहौल हुआ है। जी, इसी हल्के से आप, क्या इसी हल्के से? हाँ, माहौल क्या है अभी हल्के के अंदर? माहौल बढ़िया है जी। किसका? दुष्यंत का। दुष्यंत का क्या कारण है, ऐसा क्या करवाया दुष्यंत ने जो उनके पक्ष में माहौल बना? सभी काम कराए है, उरे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे उनको लाए है, तहसीलदार नहीं था उनको लाए है, अच्छा। जो लोगों की समस्याएं थी वो ठीक करी है सभी, अच्छा। तो जो कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी हैं, और निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे मजबूत पड़ेंगे दुष्यंत? मजबूत पड़ेंगे जी, मजबूत, अच्छा। और साथ ही जो चंद्रशेखर आजाद इनके साथ में आए हैं नीला पट्टा पहन करके, जितने समर्थक उनके साथ घूम रहे हैं, उसका फायदा कितना मिलने वाला? बहुत ज्यादा फायदा है जी। अच्छा, हाँ जी, उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम करवाए हैं दुष्यंत चौटाला ने क्या? करवाए हैं, साजले काम तो करवाए हैं, साजले काम करवाए हैं, उसका फायदा मिलेगा दुष्यंत को? फायदा मिलेगा, कहते नहीं पूरा मिलेगा। यही से आप नगोरा से हैं जी? अच्छा, क्या कुछ माहौल फिलहाल देख रहे हो? माहौल एक तरफा है जी। किसका? दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला का, तो दुष्यंत को चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का फायदा कितना मिलेगा? हाँ, बहुत फायदा है, उसने भी अपनी जमीन तराशनी है और इसका भी फायदा, दोनों को फायदा है इसमें। ठीक है, हाँ। मुख्यमंत्री रहते हुए दुष्यंत ने यहाँ के लोगों के काम करवाए हैं क्या? हाँ, काम बहुत ज्यादा करवाए हैं, लेकिन वो थोड़ा गांव में टच नहीं रहे, ऊपर से काम किए उसने लोगों के विकास के, लेकिन थोड़ा जनता के संपर्क में रहने से शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, इसकी तरफ जा रहा था। यानी कि चुनाव के आखिरी दिनों में माहौल बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। शुरुआत में लोग नाराज थे क्या? हाँ, कुछ नाराज थे, लेकिन वो साथ में आ गए सभी, अब साथ में आ गए बिल्कुल। तो भाई लोगों की राय तो जान ली है, अब दुष्यंत चौटाला अपने उचाणा मंडी में खड़े होकर के इस चुनाव के अंदर अपनी जनता अपने मतदाताओं से क्या कुछ वायदे करते हैं, चलिए वो आपको शुरुआत। दुष्यंत छोड़ जाएगा, भाग जाएगा, ये आज इस पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों का प्यार, मेरी माताओं का प्यार, युवाओं का एहसास है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो प्यार, आशीर्वाद और जोश आप लोगों ने हमेशा ऊर्जा के तौर पर मुझको दिया है, दिन रात एक कर कर मेरा संकल्प ये रहा कि उचाणा प्रगति पर चले, उसी प्रकार हरियाणा के साथ उचाणा की प्रगति को साथ के साथ ले जाने का हम काम करें। मुझे खुशी है जो लोग 40 साल से यहां राजनीति कर रहे हैं उनके मन में 26 साल के इस युवा का खौफ देखो,
क्या कहने लग गए, छोड़ के भागेगा, छोड़ के भागेगा। मैं छोड़ के भागा? मैं तो वैसे ही मजबूत खड़ा हूं जैसा 14 में चुनाव लड़ने आया था जब खड़ा था। मगर भाई उनको पूछने का काम करो, तुम छोड़ना कब बंद करोगे? जैसे पक्षी फल देखता है, एक डाल से दूसरी डाल चोच मारता है, एक डाल से दूसरी डाल जो चोच मारता है, वैसे कुछ इस हल्के के नेता है जो कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस आई, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, और अब किसका चुनाव चिन्ह लिया है? जिन लोगों ने 10 साल कांग्रेस को गाली दी, आज उसका चुनाव चिन्ह लेके आपके बीच में लड़ रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज भी वैसे ही मजबूत इस प्रदेश की, इस हल्के की सेवा में समर्पित हूं और आगे भी इसी प्रकार से समर्पित रहूंगा। दिन रात एक कर कर चाहे मुझे यहां विकास उत्थान के लिए, भी मैं मंडी आया, कहते हैं 27 से जीरी की खरीद शुरू होगी। नई अनाज मंडी में एक दाना जीरी का नहीं था, ये हालत होगी किसान की। चीका जाके आया, मंडिया खाली पड़ी थी, मैंने पूछा जीरी क्यों नहीं आई, कहते सेलर वालों ने मना कर दी। तुम्हारे 4 साल के राज में किसी सेलर वाले की हिम्मत थी जीरी लेने से मना कर दे? साथियों, पेमेंट 2 दिन में खाते में पहुंचाई, ये व्यवस्था बनाने का काम किया। और मैं आपको एक चीज उदाहरण के तौर पे बोलूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उन सब का उद्देश्य एक ही है, क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। इतिहास उठा लो, सर छोटू राम जी के समय में उनने अंग्रेजी हुकूमत के साथ अपना साथ दिया, नतीजा क्या आया? भाखड़ा नंगल डैम बना, और उस भाखड़ा नंगल डैम का पानी आज अपने कितने एरिया को विकसित कर रहा है। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 1972 के बाद कभी कांग्रेस की ओर देखने का काम नहीं किया, हमेशा लड़ाई लड़ी, और जब जब वो सरकार में आए, उनकी सोच थी मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो, माताओं का सम्मान हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन लागू करें, गरीब आदमी को काम के बदले अनाज मिले, जच्चा बच्चा योजना बने, हरियाणा प्रदेश विकसित हो। साथियों, मेरे को एक चीज तो बताओ, मैं गांव में गया हूं, बहुत से लोगों से मिला हूं, एक दुष्प्रचार है, बेरानी दुष्यंत कितना बड़ा गुनहगार है, मेरा गुना तो बता दो। अगर मैं 4.5 साल सरकार में रहा तो किसान फसल बेच के आता था, 2 दिन में खाते में पैसे आते थे, नहीं आते थे? मैं सरकार में रहा, चाहे हमारी अधमरी सी थी, मैं और अमरजीत और मम्मी बच गए, 7 भाज गए, उसके बावजूद भी 1,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि कराई, नहीं कराई। महिलाओं को 50% पंचायतों में जो वादा था, वो वादा पूरा कराया, नहीं कराया? महिलाओं को 33% डिपो में हिस्सेदारी दिलाई, नहीं दिलाई? ये ऊपर बीसी समाज के, नीचे कई साथी मैं जानता हूं, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, सुनार हो, पंचायतों में हिस्सेदारी नहीं थी, क्या इनकी 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी, नहीं करी? बुजुर्गों, युवा साथियों, 75% कानून लाया, 29,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, हिसार में अंतरराष्ट्रीय लेवल का एयरपोर्ट बनाया, अपने खरखोदा में मारुति की फैक्ट्री आई दुनिया की सबसे बड़ी। अगर राज्य में हिस्सेदारी नहीं होती
तो क्या उचाणा हल्के में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य होते? क्या 32 गांव को बाखड़ा का पानी मिलने के लिए 150 करोड़ रुपए की परियोजना लागू होती? क्या हमारे रजवाए है, माइनर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनके लिए 200 करोड़ रुपए रीमॉडलिंग का कभी आता? क्या उचाणा के अंदर सप्पा खेड़ी में 25 एकड़ जमीन में फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कॉलेज का सपना कभी सजोया जाता? साथियों, मेरी गलती एक थी कि जो वादे आपको करे थे उसको पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम सरकार में थे। वो तो मुझे एहसास पहले दिन था कि अगर सरकार में आएंगे तो काम होंगे, मगर एक दुष्प्रचार ऐसा भारी हो गया, और दुष्प्रचार भी ऐसा कि पता नहीं किसान आंदोलन में दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बन जाता। है प्रचार नहीं है, मेरे को एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री को एक विधानसभा बनाया जाता है? एक विधानसभा जीते मुख्यमंत्री बन सकते तो सारा देश ही नहीं बन जाता। आज ताकत विधायकों की चाहिए। ये जो साथ छोड़ के गए हैं, अनूप बरगे छोड़ के चले गए, ये तो 2021 में भी छोड़ सकते थे, और 2021 में छोड़ जाते तो तारी चाबी भी नहीं बचती, जननायक जनता पार्टी भी नहीं बचती। साथियों समझो, ये प्रोपोगंडा है, ये वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो आपकी ताकत को आंकते हैं, यह उन लोगों का प्रचार है। मैं तो एक चीज बता सकता हूं, जिसने वोट दिया किसान आंदोलन के तीनों कृषि कानूनों पर, जिसने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसने प्रेस वार्ता कर कहा कानून सही है, आज वो कांग्रेस की टिकट लिए बैठे, नहीं लिए बैठे? आप मुझे बताओ, जो लोग आज कांग्रेस की टिकट लेकर आए, उन्हीं के मंच में कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं, उनके मुंह पर आकर कहते हैं 700 लोगों को मारने वाले, वो किस मुंह के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? साथियों, मैं तो एक चीज विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं, मेरी निष्ठा, मेरी मेहनत एक है कि उचाणा आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, और मुझे आपका साथ चाहिए। जो 30 दिन मेहनत करी है वो 3 दिन मेहनत कर दिखा दो, और अगर अगले 3 दिन वही मेहनत कर दिखाओगे तो आप देख लेना 5 तारीख को पिछली बार की तरह जोश के साथ इस विधानसभा को भी हम जीतने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज जो आज हर जगह दिखने को आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि राज बन गया, नौकरी कोटों में बटेगी, कोई लोग कहते हैं कि सरकार रोहतक की और झज्जर की आ जाएगी। इस जींद ने तो सहा है, और सहा भी 10 साल है, और 5 साल बीजेपी के भी सहा है, कितना विकास जींद जिले में हुआ। पहली बार तुम्हें चौधर मिली, आज उसका नतीजा है दिल्ली कटड़ा हाईवे भी जींद के अंदर से जाता है, 152D भी जींद के अंदर से जाता है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो जींद में बन रहा है। आज जमीनें खटखड़ में हो, सफीदों हल्के में हो, आज इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए एक्वायर होनी शुरू होगी। ये क्यों हो पाया? क्योंकि राज में आपकी साझेदारी थी, हिस्सेदारी थी, और राज आपके आगे दबता था, फैसले करता था, मगर रोहतक भेज दोगे तो फिर क्या होगा? जींद ने तो बहुत भुगता है 10 सालों में, जैसे शरीर होता है अपना, ऐसी चौड़ी सड़कें रोहतक में होती थी, और जैसे लाखन माजरा पार करते थे लातों जैसी पतली पतली सड़कें बन जाती थी। था भेदभाव या नहीं था? मगर आप लोग उसको समझ नहीं पाए। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है कि अब समझने का मौका है, या अवसर मत खो। आज और पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे, साथियों उनकी चाल समझो, वो हमें
तोड़ना चाहती है, हमें बांटना चाहती है, पर हमें बटना नहीं है। हमें एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है कि सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार लेकर आगे जन जन में जाना है अगले 3 दिन। भाई दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना हमारे छाव में गिरे, बगाना मारे धूप में, मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है, जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। 30 साल मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं इस बात को कहता हूं, मैं मंचों से नहीं कहता, 30 साल के थे वो जब वो आपके बीच मैदान में, और परिवार किस हालात में था आपने देखा। चाहते तो यहां से इधर उधर की सोचते, लेकिन आपके बीच में आए और मैंने कार्यशैली देखी दोनों भाइयों की। ऐसे नहीं हुआ गठबंधन कि इन्होंने कह दिया गठबंधन कर लो, जो काम इन्होंने किया, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से जो काम इन्होंने 4.5 साल में किया, उस काम को पैमाना बना के अलायंस हुआ कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हरियाणा के एक एक घर में खुशहाली आ सकती है, हरियाणा के किसान कमेरों की बात दोबारा मजबूत हो सकती है। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसे पीछे ना रहे। फिर एक गांव में हम गए, प्रचार में थे, वहां की प्रत्याशी भी यहां बैठी हमारी बहन, गांव के लोगों ने गाड़ी रोक ली, मुझे लगा कि शायद कोई नाराजगी होगी, मुझसे कहने लगे गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है कि गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा कि भाई प्रचार आज इस गांव में नहीं अगले में है। बोले एक बार उतर जाओ 2 मिनट के लिए, मीडिया के साथी दिखाना इस बात को जरूर। हम उतर गए, वो लाइब्रेरी में लेके गए, बेटियों की लाइब्रेरी अलग और बेटों की लाइब्रेरी अलग। फिर मिठाई ले आए, मैंने पूछा कि मिठाई क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बना बैठ के, मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना, मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहां की जनता जो अच्छी हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कटती जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया, पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है, जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उचाना के लोगों आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहां गिर गई या चली, बताओ गिरी या चली? चली ना। तो इसका मतलब अगर ये परिवार, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरजीत ढांडा जी का कि वो एक वफादार सिपाही की तरह इनके साथ खड़े रहे, अपने पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखा। मैं तो जानता हूं मेरे साथी यहां खड़े हैं, एक एक दिन मैंने जिस दिन उनसे कहा कि मुझे उचाना चाहिए, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। तो ऐसे हालात में
निर्णय लेके आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े। अभी आपने देखा दो दिन पहले किस तरह का माहौल बनाया गया, गाड़ियां तोड़ने का प्रयास, डराने का प्रयास। आपको लगता है कि हम डरने वाले लोग हैं? आप बताओ, डरने वाले लोग हैं? हम तो वो है जो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगाते हैं। हम किसान का मेरे लोग हैं, जहां जानवर भी नहीं रहता, अपने पसीने से खून से वहां महल बनाते हैं संघर्ष करके। हम तो संघर्षशील लोग हैं। इनके डराने से मैं डर जाऊंगा? इनको एहसास नहीं कि मैं जिनमें पैदा हुआ हूं, अगर मुझे कील भी लगेगी तो वो इसका सारा जवाब वोट की चोट से देंगे। ये गलतफहमी में है। ऐसे गुंडे और ऐसी गुंडागर्दी मैंने बहुत बार देखी है। ये नहीं जानते कि मैंने तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, अपने लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 16-16 महीने जेल काटी है, कभी उफ तक नहीं कहा। दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया तो 66 दिन तक जेल काटी, एनआरसी में 29 दिन तक जेल काटी, और जब मैं जेल में था और सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 एकड़ जमीन में सदगुरु जी का गुरु घर बनाने की घोषणा मेरे भाई दुष्यंत चौटाला ने की। एक तरफ ये निकम्मी सरकारें, भाजपा की सरकार जो तोड़ने में हिस्सेदार थी, और दूसरे लोग जो ये कह रहे थे कि ये बन नहीं सकता है, तो आपकी ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र की सरकार के जबड़े में हाथ डाल के पुनः अपना गुरु घर छीनने का काम किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे लिए हर दिन संघर्ष है, और मैं जो आज हूं वो आपकी बदौलत हूं। जब ये पूरी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे हराने के लिए नगीना में एडी चोटी का जोर लगा रही थी, जो आपकी हितेशी होने का यहां दावा कर रहे हैं, वो आपकी इस मजबूत आवाज को खत्म करने के लिए एडी चोटू का जोर लगा रहे थे। चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो या अन्य पार्टियां हो, जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा मनवाने का काम किया था, उचाणा में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करना। तो ये उचाणा की सियासी अपडेट यहीं तक, लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।